दोस्तों, वीडियो लेट आने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एग्जाम होने के कारण वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए आप मुझे माफ कर देना। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ब्लैक टाइगर क्लैन के मेंबर अपनी बीस्ट के साथ वहां पर आ जाते हैं, जिनकी वजह से वहां की जंग पूरी तरह से कंपनी लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि टियांडो आर्मी का सोल्जर ब्लैक टाइगर क्लैन ड्रैगन क्लैन को देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं। तभी टियांडो आर्मी अपनी बड़ी बड़ी तीरों से अटैक करते हैं, लेकिन इसे ब्लैक टाइगर क्लैन और ड्रैगन क्लैन को कुछ भी नुकसान नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर सेक्ट लोग अपनी बीस्ट के साथ मिलकर दबाई मचाए लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन क्लैन एक ड्रैगन बहुत जोर से दहाड़ मरता है, जिसकी वजह से टियांडो आर्मी और उनके बीस्ट बहुत दूर जाकर गिरते हैं। वही हम देखते हैं टैंक सेक्ट के एक डिसेबल एम्परर सुबैंग के पास आती हैं और उन्हें बताते हैं कि टैंगशन ने एलिफेंट क्लैन चीफ एंड विंडस्वॉर ट्राइब के चीफ को हरा दिया है, जिसके बाद उन लोगों ने हुआन एम्पायर की फ्रंटलाइन कम्युनिकेशन को ट्रैक कर लिया। इसके बाद उन लोगों ने बिबडोंग के सोल मास्टर को भी हरा दिया है। यह सुनकर के एम्परर सुबैंग कहते हैं, यह तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वह लोग तो हुआन एम्पायर के ग्रेट मास्टर में से एक है और उनकी इतनी है, वो अकेले 10,000 सैनिकों से भी लड़ सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है वहाँ के मास्टर की पावर कट गई होगी। सुबैंग के कहते हैं, हम लोगों को सबसे ज्यादा चिंता हुआन एम्पायर के स्पिरिट मास्टर की थी। काश कर बिबडोंग जैसे लोग, क्योंकि वह लोग ग्रेट वायरस होने के साथ डॉलुओ लेवल पर भी है। इसलिए टैंगशन के हुए अटैक टियांडो आर्मी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एम्परर सुबैंग पूछते हैं, हमारी मेन फोर्सेस का क्या न्यूज है? जिस पर वह डिसेबल बताती है कि हमारी मेन फोर्सेस गोस्ट लेपर्ड और फायर लेपर्ड को हरा दिया है। जिसके बाद मार्शल जिलांग आगे की सेना को देख रहे हैं, ताकि वो आगे की अटैक को समझ सके। वही एम्परर सुबैंग अंकल से पूछते हैं, कोई परेशानी की बात है? अंकल बताते हैं, अभी तक हुआन एम्पायर के सभी स्पिरिट मास्टर अभी बाहर नहीं आए हैं, इसलिए अगर हम लोग पूरी तरह से अटैक करते हैं तो शायद यह मेरे ख्याल से जल्दी होगा। एम्परर सुबैंग कहते हैं, पूरे बैटल ग्राउंड में सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है, इसलिए अगर हमें अटैक करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें अटैक करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मार्शल जिलांग और ग्रैंड मास्टर अटैक करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय बिबडोंग और उसके स्पिरिट मास्टर थोड़ी देर के लिए घायल हैं। इस पर अंकल एम्परर सुबैंग से कहते हैं कि भले ही बिबडोंग के सातों क्लैन के सेक्ट घायल हो गए हो, लेकिन ब्लैक टाइगर सेक्ट और होली ड्रैगन सेक्ट के आर्मी पूरी तरह से स्पिरिट मास्टर की आर्मी है और अभी तक उन्होंने अटैक नहीं किया है। तभी हम देखते हैं ब्लैक टाइगर सेक्ट और होली ड्रैगन सेक्ट के आर्मी बैटल ग्राउंड में एंट्री मारती है। वही होली ड्रैगन सेक्ट के आर्मी भी ठीक उनके पीछे ही आ रही होती है, जो अपनी स्पिरिचुअल ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए टियांडो आर्मी पर पावरफुल अटैक को कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें बताते हैं कि ब्लैक टाइगर सेक्ट और होली ड्रैगन सेक्ट के आर्मी, यह एक ऐसी आर्मी है, यह सभी स्पिरिट मास्टर ही है। होली ड्रैगन सेक्ट की आर्मी तो हुआन एम्पायर से ही बनी हुई है, क्योंकि उसी का पुराना हुआन हॉल था। इसके बाद ग्रैंड मास्टर कहते हैं, दोनों ही सेक्ट के लोग बहुत अच्छे वॉरियर्स हैं, जिसकी वजह से हम हार भी सकते हैं, क्योंकि वह लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अब बिबडोंग ने इन दोनों लोगों को बैटल फील्ड में भेज दिया है, इसलिए इन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस तो होगा कि इनके पावर से हमारे डिफेंस को तोड़ सके। जिसके बाद पूरे बैटल ग्राउंड के पूरे सीन पूरी तरह से बदल जाएगी। हम देखते हैं होली ड्रैगन सेक्ट के आर्मी टियांडो आर्मी पर भारी पड़ रही होती है। जीने देकर के मार्शल जिलांग कहते हैं, मुझे लगता है अब बैटल फील्ड में ज्यादा ही पावरफुल लोग आ गए हैं, इसलिए अब अगर हम लोग उन लोगों से लड़ना चाहते हैं तो अब हम लोगों को एडवांस आर्मी को लॉन्च करना चाहिए। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहते हैं, ब्लैक टाइगर सेक्ट और होली ड्रैगन सेक्ट में कई सारे स्पिरिट मास्टर हैं। अगर हम लोग उन पर डायरेक्ट अटैक करते हैं तो हमें कई ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा।
इसके बाद हम देखते हैं कि होली ड्रैगन सेक्ट से एक स्पिरिट मास्टर ने एक पावरफुल अटैक से कई सारे लोगों को मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे के पूरे बैटल ग्राउंड का सीन चेंज होता है। तभी होली ड्रैगन सेक्ट की लीडर अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है, जल्दी से आगे बढ़ो, जिसके बाद वो अपनी ड्रैगन पर बैठकर आगे बढ़ते हुए अटैक करने लगता है। वही बिबडोंग इसे देखकर सोचती है कि टियांडो एम्पायर के कॉन्फिडेंट और उनके फोकस पूरी तरह से टेंशन पर है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी इसे मारना होगा ताकि मैं अपनी ट्रूप्स के कॉन्फिडेंस बढ़ाने के साथ जीतने की पॉसिबिलिटी को पर बढ़ा दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गार्डियन स्पिरिट फ्रॉम में आती है और अपनी थर्ड स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल करती है। तब हम देखते हैं कि वहां पर कई सारे जहरीले स्पाइडर आ जाती है जो टियांडो आर्मी को मारने लगती है। देख करके टेंशन सोचता है कि बिबडोंग ने स्पाइडर का इस्तेमाल करके हमारे लोगों को मार रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि श्रेक डेविल्स भी स्पाइडर को मारने लगते हैं, जिसके बाद मोटू उनसे पूछता है कि आखिर में स्पाइडर कम क्यों नहीं हो रहे हैं। इसके बाद बिबडोंग सोचती है इन लोगों के कुन स्पाइडर के पावर को और भी बढ़ा देता है, जिसे देख करके टेंशन सोचता है मैं बिबडोंग करना क्या चाहती है। तभी हम देखते हैं गोट क्लैन के चीफ ऑस्कर पर अटैक कर देती है। फिर बिबडोंग कहती है टेंशन अब तुम उन्हें बचा नहीं सकते हो और न ही वो तुम्हें। जिसके बाद वो सिक्स स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल करती है। इसे देख करके टेंशन सोचता है बिबडोंग के गार्डियन में यह सिक्स स्पिरिट रिंग 1,00,000 की है और बिबडोंग के इस अटैक से मैं भी नहीं बच पाया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं टेंशन बिबडोंग के इस टेक्निक में फंस जाता है और इसे देखकर श्रेक डेविल्स बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। वही बिबडोंग एक और पावरफुल अटैक को टेंशन पर कर देती है, जिसे देखकर श्रू अपनी टैडी पोशन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसके पास जाने लगती है। इसके साथ हमारा यह एपिसोड कम्प्लीट हो जाता है।